ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट, नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सो रेडी एवरीवन. अभी लास्ट क्लास में भी हमने कुछ पढ़ा था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन की सर्कल क्या होगी, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, कि आपके पास क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, राइट. तो डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट एट पी टी वन क्यू टी टू, आप लोगों ने ये पढ़ा था. यहां से एक कोण बनती थी, इसको क्या बोला था, फोकल कोण बोला था, याद आया? यस. तो आपने इसी के बिहाफ पे जब इन पॉइंट्स को देखा तो इससे आपके पास एक टेंजेंट की इक्वेशन बनी होगी, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, याद आया? यस. ठीक है, तो एक बार इसमें टी वन पॉइंट पुट के, एक बार टी टू, तो आपके पास ये बना. तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ गई a इंटू टी वन प्लस टी टू. इन द सेम वे जब पुट करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी a टी वन टी टू. तो मेरे पास जो टेंजेंट है q टी वन और p टी वन और q टी टू, जो ये टेंजेंट है ये कहाँ पे मीट करती, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वो क्या है डियर, a टी वन टी टू कोमा a इंटू टी वन प्लस टी टू, राइट. क्लियर है? यस. ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपकी टेंजेंट्स के, कहां पे आपकी टेंजेंट इंटरसेक्ट करे, दैट इज पॉइंट आर. एग्री? यस मैम. ठीक है, अब हम देखेंगे कोई और स्टैंडर्ड पैराबोलास जो होते हैं, क्योंकि नॉर्मल पैराबोला की तो आपने टेंजेंट्स पढ़ ली थी. अब हम देखेंगे जो आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोलास होते हैं जिनका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के बिना कहीं और हो, तो उसकी क्या होंगी. सो रेडी? यस. ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड. हमारे पास सबसे पहले आएगा स्टैंडर्ड पैराबोला. तो स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन सबको आती है, क्या क्या इक्वेशन थी, वाई स्केयर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स, याद है? यस मैम. वाई स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स, एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू फोर ए वाई, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर ए वाई. यही होती थी क्वेश्चन ऑफ पैराबोला. यस मैम. अगर कोई पॉइंट दिया है, अब मेरे को निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कोई पॉइंट दिया है एक्स वन वाई वन, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, यहाँ पे हम टेंजेंट्स लिख लेंगे हर केस में. तो सबको लिखनी आती है टेंजेंट, क्या आ जाएगा, वाई वाई वन इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स प्लस एक्स वन बाय टू. तो आपके पास क्या बना, y y1 is equals to 2a into x plus x1. Agree? Yes. Yes ma'am. In the same way, दूसरे वाले का फटाफट बता दो, y y1 minus 2a x plus x1. Yes ma'am. फिर आपके पास बनेगा x x1 is equals to 2a y plus y1. फिर बनेगा आपके पास, कौन बोलेगा, x x1 is equals to minus 2a y y1. Agree? तो ये तो सबको लिखनी आती है, सर्कल्स में भी सेम केस करते थे. Yes ma'am. क्लियर. अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे जब पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा. तो सबसे पहले नॉर्मल पैराबोला लिख लो, y square is equals to 4ax, y square is equals to minus 4ax, x square is equals to 4ay, x square is equals to minus 4ay. Clear है? तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे, सबको याद है, a t square comma 2at. Yes. Minus a t square comma 2at. फिर आपके पास बनेंगे 2at comma a t square. फिर आपके पास बनेंगे minus plus 2at comma minus a t square. Agree? ठीक है, अभी इसकी टेंजेंट लिखी थी, याद है, टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर. अगली क्या बन जाएगी, टी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर. फिर आपके पास बन जाएगी टी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस ए टी स्क्वायर, और आपके पास बन जाएगी टी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस ए टी स्क्वायर, याद आया? वेरी फर्स्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा था. अभी बनी कैसे, किसी को डाउट है तो ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो, अगर नॉर्मल सा
किसी भी केस में आपके पास अगर इसी केस में सोचोगे तो कैसी इक्वेशन बनेगी, एक्स एक्स वन इज इक्वल टू माइनस टू ए वाई प्लस वाई वन बनेगी, एग्री? यस मैम। एक्स वन किसके बराबर है, 280, वाई वन किसके बराबर है, माइनस 80 स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो, एक्स इंटू 280 इज इक्वल टू माइनस 2a और आपके पास बनेगा y प्लस इंटू माइनस 80 स्क्वायर, क्लियर है? तो आपके पास क्या बना, एक्स टी इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 80 स्क्वायर, बोलो। यस मैम, एक बार इससे प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा दो। लो, क्लियर है? ये नोट्स आपके अवेलेबल होते हैं आपकी वो शीट पे जो क्वेश्चंस पे यूज होंगे ना, तो इसलिए नोट। ओके ओके ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन आ गया, डेफिनेटली मेरी क्लास क्वेश्चन के बिना तो खत्म नहीं होगी। अब आपने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ गया, टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6 एट द पॉइंट 1,7 टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट q, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आर, रेडी स्टडी, इसके सेंटर बताओ। -8, -6, इसकी टेंजेंट बता दो कर्व की इस पॉइंट पे, क्या बनेगी, y प्लस 7 बाय 2 इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 6, इट मीन्स y प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 12, एग्री? तो आपके पास बनेगी 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई या नहीं? यस मैम। ठीक है, अब आपके पास टेंजेंट ये आ गया, सेंटर आपके पास -8,6 आ गया, क्लियर है? यस मैम। अगर इसकी डायग्राम देखोगे तो ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, कुछ ऐसा जा रहा है, ये इसका सेंटर है -8,-6, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट? यस मैम। ठीक है, अब ये पॉइंट क्यू है, ऑफ परपेंडिकुलर वाले कांसेप्ट से निकालेंगे। राइट, यहाँ पे आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट मींस क्यू पॉइंट निकालना है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आपको याद है कि मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, एक लाइन है, एक पॉइंट है, उससे सीधा, कैसे था शॉर्टकट, कि ये जो पॉइंट है पहले पुट कर लो सेंटर का, x प्लस 8 इज इक्वल टू y प्लस 6, क्लियर है? अपॉन x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1 इज इक्वल टू, ये दोनों पॉइंट इसमें पुट करो, कितना आएगा, 8 टू द -16 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन, हाँ जी अपॉन, क्या करोगे, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, एग्री? यस मैम। क्लियर है? और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये कितना है, इसके आगे माइनस भी आता होता था, कुछ याद आया, शॉर्टकट किया था स्ट्रेट लाइंस में तो इक्वल्स टू 1 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -7, तो आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, -6,-7, अब जिसको डाउट है वो पूछ लो। मैम एक बार ये शॉर्टकट वाला दोबारा बता दो। देखो अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट है x1 y1 पॉइंट है, यहां से मेरे पास कोई लाइन है ax plus by plus c is equals to 0, तो मेरे को इससे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका शॉर्टकट मेरे पास होता था x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b, यहां तक क्लियर है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है इसमें? बोलिए डियर फ्रेंड्स, Anyone, any doubt? No, ma'am. ठीक है, अदरवाइज तो बहुत लेंथी चला जाएगा, ये सिंपल वे है, चले आगे? Yes. ठीक है,
अब इसके बाद अब आपने कौन कौन सी फॉर्म पढ़ ली, पॉइंट फॉर्म पढ़ ली, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ ली, अब थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, स्लो फॉर्म। तीन ही फॉर्म्स होती है हर टाइप की। यस मैम। पैराबोला की इक्वेशंस बोल दो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। तो इक्वेशन याद है हमने कल की थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए बाय एम, ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वेयर, और ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वेयर। इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन फॉर्म ऑफ स्लोप क्या थे, याद करो, कुछ याद आया होगा कल की क्लास में क्या था, a अपॉन एम स्क्वेयर कॉमा 2a अपॉन एम, फिर ये क्या बनेंगे, माइनस ए अपॉन एम स्क्वेयर कॉमा 2 माइनस 2a अपॉन एम, और थर्ड वन आपके पास बनेंगे 2a m कॉमा a m स्क्वेयर, और लास्ट वन आपके पास बनेंगे माइनस 2a m कॉमा माइनस a m स्क्वेयर। एग्री? यस मैम। क्लियर है? किसी को निकाल के पूछने हैं कि कैसे आए तो वो भी बता दूंगी। एनीवन इंटरेस्टेड? देख लो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, राइट? एग्री? यस मैम। और अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है, क्लियर है? इसकी टेंजेंट क्या होगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम होगी। Yes. और इसकी टेंजेंट क्या होगी किसी भी पॉइंट पे, तो y इज इक्वल्स टू, अगर इसकी स्लोप m डैश है तो m डैश y प्लस a अपॉन m डैश होगी। एग्री? बोलिए, इनको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो, अगर मेरे पास ये आ गया x माइनस a अपॉन m डैश इज इक्वल्स टू m डैश y, क्लियर मैम? जो सेकंड वाली क्वेश्चन है उसकी टेंजेंट की वो तो अलग होगी ना। हाँ, एम डैश लिए, देखो मैंने स्लोप मैम, बट इक्वेशन तो मैम एम एक्स होगी ना, एम डैश एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। वो मैं वही तो प्रूफ कर रही हूँ कि वो आएगी। ओके, असली तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं ना टेंजेंट। यस मैम। ठीक है, अब माय डियर वाई अकेला, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन m डैश माइनस a अपॉन m डैश का स्क्वायर, क्लियर? वन अपॉन m डैश को m से रिप्लेस कर दो, अब बताओ क्या बनेगी, अब आपके पास बनेगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। बोलो, एग्री? यस मैम। ठीक है जी, चले आगे। ज्यादातर हम इन चीजों को कम याद रखते हैं, हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। देखो कैसे करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो सबसे पहले देख लो कि पैराबोला कैसे दिख रहे होंगे। एक पैराबोला कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, और एक पैराबोला अपवर्ड है, राइट? इन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसी दिखेगी। कॉमन टेंजेंट ये वाली टेंजेंट कॉमन होगी। यस मैम। क्लियर है? ये कॉमन टेंजेंट होगी सबके लिए। चलो, तो आपके पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और दूसरा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। एग्री? चलो, तो इसकी टेंजेंट क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन m बनेगी। और अभी आपने इस फॉर्म की टेंजेंट मैंने पीछे प्रूफ करवाई है, तो इसकी टेंजेंट क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है कि दोनों में कुछ कंपैरिजन पता चल रहा है? अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे पता चल रहा है कि a अपॉन m जो है वो माइनस बी एम स्क्वायर के बराबर है, तो m क्यूब किसके बराबर होगा, माइनस ए अपॉन बी के बराबर हुआ। तो दिस इंप्लाइज कि जो मेरे पास m की वैल्यू है वो माइनस ए की पावर 1/3
बी की पावर 1/3 के इक्वल होगा. एग्री? यस मैम. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना सकते हो. एम भी निकालना था, किसी में भी पुट कर दो. तो दिस इंप्लाइज y, मेरे पास जो टेंजेंट है वो क्या बन जाएगी, m की वैल्यू पुट कर दो, माइनस a अपॉन b होल पावर 1/3 x प्लस a, उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, b की पावर 1/3 अपॉन माइनस a की पावर 1/3. क्लियर है? तो बच्चा बाटी इसको सॉल्व करके आपके पास बनेगा a की पावर 1/3x प्लस b की पावर 1/3y प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 इक्वल्स टू 0. ये आपका आंसर आ जाएगा कॉमन टेंजेंट का. क्लियर है सबको? यस मैम. सिंपली कुछ भी नहीं किया, कंपैरिजन किया, वैल्यू निकाली m की. अगर m आ गई तो मेरे पास टेंजेंट भी आ गई. क्यों तुषार जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला. दो पैराबोलास हैं और दोनों ही पैराबोलास, एक पैराबोला अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, राइट? और ये क्वेश्चन आपका 2006 में आया था. होमवर्क दे दूं, आंसर बता दूं क्या आएगा. ए और बी आंसर आएंगे. तो होमवर्क दे दो, इस क्वेश्चन को करके आएंगे सब लोग. यस मैम. यस मैम. वैसे ही दो टेंजेंट्स बनानी है. आपको टेंजेंट्स पता है कैसे बनती हैं, हमने अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड पे किया है. बस वहां से टेंजेंट्स बनानी है, लिखनी है और बस क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करनी है, राइट? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हमने बात की थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. वो प्रॉपर्टी क्या कह रही है और आप लोग क्या समझे उससे, कि द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व्स ऑब्टेंड अ राइट एंगल एट द फोकस. क्या समझ पाए? कि अगर मेरे पास कोई पैराबोला है, ये मेरे पास पैराबोला है, ठीक है, और ये मेरा इसका डायरेक्ट्रिक्स है. एग्री? अगर कोई मेरी टेंजेंट इस डायरेक्ट्रिक्स और पैराबोला को कहीं पे जाके टच कर रही है, तो जो एंगल फोकस पे, ये फोकस है, इस डायरेक्ट्रिक्स पे जहां पे मीटिंग पॉइंट है, वहां से लेके टेंजेंट का जहां से मीटिंग पॉइंट है, तो इस फोकस पे क्या, कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री. क्या बात क्लियर हुई? फिर से देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, राइट, और ये टेंजेंट है. एग्री? टेंजेंट जहां पे डायरेक्ट्रिक्स से मीट हुई वहां से, और जहां पे पैराबोला को मीट हुई, अगर उन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक ट्रायंगल बनेगा जिसको फोकस से मिलाओगे, तो फोकस पे कौन सा एंगल बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स? मैम 90 डिग्री. यस. तो बात समझ हो गई, क्लियर हो गया? चले आगे. यस मैम. सेकेंड, द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कोड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड हेंस अ सर्कल ऑन एनी फोकल कोड एज डायमीटर टचेस द डायरेक्ट्रिक्स. तो क्या समझ आया इस क्वेश्चन को? कुछ समझ आया? अच्छा चलो ठीक है. ये पैराबोला है, ये पैराबोला बन गया. अगर ये फोकस है, एस, फोकल कोड कौन सी होगी? कुछ ऐसे जा रही होगी तुषार, प्रिंस, ये फोकल कोड है. अगर इन एक्सट्रीमिटीज से आप कोई टेंजेंट्स ड्रॉ कर लो, कुछ ऐसी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, तो कहते हैं जो ये टेंजेंट्स है ये कहां पे मीट करेंगी? 90 डिग्री पे. क्लियर है? यस मैम. और अगर फोकल कोड को डायमीटर लेके आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो वो सर्कल कहां से डायमीटर इसको टचेस द डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करके जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री कहां पे बनेगा?
डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है जी। यस मैम। तो ये जो सर्कल है ये यहाँ से टच करके मिस डायरेक्ट्रिक्स उसकी टेंजेंट हो जाएगी जिसकी फोकल कोर्ड डायमीटर होगा। क्या बात क्लियर हो गई? यस मैम। सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट लाई ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ऑल्सो अ सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियाई एट अ पॉइंट पी 80² 280 एज डायमीटर टचेस द टेंजेंट एट अ वर्टेक्स। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं बताओ? कोई बताएगा? चलिए पहले पैराबोला बना लिया करो। ये पैराबोला, ये फोकस है, ये पी कोई पॉइंट है जो आपके पास है ए टी स्क्वायर कॉमा 280। तो ये सेमी फोकल कोड ही फोकल रेडियाई होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट लाई ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो कहां पे करोगे? यहां से कोई टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट है, क्लियर है? यस मैम। तो अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे, प्रॉपर्टी क्या कह रही है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट लाई ऑन द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। हाँ जी, व्हाट इट मींस मैम? वर्टेक्स पे जो टेंजेंट बनेगी कुछ ऐसा कह रहा है कि ये जो लाई करेगा इसका ये 90 होगा। फिर रिपीट करूं? चले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फोकस से जो परपेंडिकुलर ऑन एनी टेंजेंट लाई ऑन टेंजेंट एट द वर्टेक्स। अब अगली बात, ये तो आपको पता चल गया ना कि ये 90 होगा। यस मैम। ठीक है, अगली बार हम बोल रहे हैं कि जब एनी ऑल्सो सर्कल ऑन एनी फोकल रेडियाई ऑफ द पॉइंट पी एज अ डायमीटर टचेस द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। इट मींस जो आपने ये वर्टेक्स बनाया है, अब यहां से अगर फोकल रेडियाई को मान के डायमीटर आप कोई ड्रॉ करोगे सर्कल, तो उसकी ये क्या होगी? टेंजेंट होगी। क्या बात क्लियर हो गई? मैंने एक और बार बता दीजिए। हाँ जी, देखिए दे आर सेइंग कि आपकी टेंजेंट एंड वर्टेक्स, ये टेंजेंट एंड वर्टेक्स है, मैम वर्टेक्स तो ओरिजिन होगा ना? हाँ ओरिजिन है, तो ये टेंजेंट एंड वर्टेक्स है। हमने कोई भी मानिए कोई भी टेंजेंट एंड वर्टेक्स है। यस मैम। एनी पैराबोला, तो कहते हैं फोकस से अगर आप कोई ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट एंड वर्टेक्स पे जहां पे मीट करेगा विद द एनी टेंजेंट जो कि यहां से पास हो रही है उसके साथ ही क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। yes, और नेक्स्ट थिंग कहते हैं अगर आप कोई ऐसा सर्कल ड्रॉ करोगे जिसका ये एस पीस डायमीटर होगा, तो वो कहां से, वो ये टेंजेंट एंड वर्टेक्स वाला जो भी पॉइंट था जहां पे 90 था वहीं से पास होगा। उसकी ये टेंजेंट एंड वर्टेक्स उसकी भी क्या होगी? टेंजेंट होगी। जो पैराबोला की इसको नाम दे दिया टेंजेंट एट वर्टेक्स, दैट मीन्स द टेंजेंट विच टचेस द पैराबोला एट द वर्टेक्स, वो टेंजेंट एट वर्टेक्स है। मैम बट पैराबोला की वर्टेक्स तो 0,0 होती है ना? नहीं, हमने यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं किया। देखो कोई भी हो सकती है, हमने यहाँ पे कोई पैराबोला नहीं लिया ना डियर। ओके मैम। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो आपको क्वेश्चन ही खुद बता देगा। इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला 1,2,
क्या ये ओरिजिन में से पास हो रहा होगा? नो मैम. ओके. एंड फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी टू टेंजेंट टू द पैराबोला फ्रॉम द फोकस आर 3.4 एंड 4.6. ये बात समझ आई? यस मैम. एंड फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. क्या ये बात समझ आई? कैसे करोगे? डायग्राम बनाओ. तुषार आपके पास एक पैराबोला है प्रिंस, कोई भी पैराबोला मान लो, लेट इट बी एनी पैराबोला. ठीक है, इसका फोकस है आपके पास 1.2. एग्री? क्लियर है? यहां से आपकी कोई दो टेंजेंट जा रही है, एक टेंजेंट ये गई और दूसरी टेंजेंट ये गई. क्लियर है? यस मैम. तो ये आपके जो टेंजेंट एंड वर्टेक्स है उसको दो पॉइंट पे कट करिए. कौन कौन से पॉइंट है? एक पॉइंट है 3.4 और दूसरा पॉइंट है 4.6. क्लियर है? यस मैम. ये ऐसे मीट कर रही है, ये भी क्लियर है, और ये 90 होगा, ये भी क्लियर है. एग्री? यस मैम. ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? वर्टेक्स निकालना है. ये वाला पॉइंट निकालना है बेसिकली. राइट? यस मैम. मैम तो मिड पॉइंट निकालेंगे ना. मिड पॉइंट क्यों लेंगे? ए और बी है, तो आपको ये पता चल गया कि ए एंड बी लाई ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स. जो ए और बी है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई कर रहे हैं. यस मैम. तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? टू पॉइंट फॉर्म आती है ना, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3. एग्री? तो इसको सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन आ गई 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. क्या ये क्लियर है? और आपको फोकस दे रखा है 1.2. क्या ये बात भी क्लियर है? यस और नो? यस. आपको ये पता है कि ये फोकस से दे दो आपने टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ये क्या है 90 डिग्री ड्रॉप हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है. तो क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो किसी पॉइंट से किसी लाइन का? अभी बताओ शॉर्टकट. याद है x माइनस 1 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू अपॉन 2 अपॉन माइनस 1, और आपके पास क्या बनेगा 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 अपॉन 5. क्लियर है? अभी सिखाया था शॉर्टकट. मैं माइनस 1 भी तो आएगा होल मैं ब्रैकेट के बाहर. ब्रैकेट के बाहर माइनस 1. ग्रेट. ठीक है जी, तो आपके पास ये 2 अपॉन 5 के इक्वल आ गया. यस मैम. तो यहाँ से आपके वर्टेक्स के पॉइंट्स आ गए. क्या आ गए? वर्टेक्स जो चाहिए था सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 9 अपॉन 5 8. यस प्रिंस, वंडरफुल. बताओ मुश्किल था? अब तो यहाँ पे लग रहा है कि ये तो कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का ही बन गया था कि नहीं? यस मैम. क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? नो मैम. ये येलो वाला दोबारा समझा दीजिए. हाँ जी, क्या समझाऊं? येलो वाला ये हमने अभी आज की क्लास में ही मैंने एक शॉर्टकट लिखा था, आपको याद होगा एक क्वेश्चन में कहाँ पे ये रहा कि अगर x1 y1 से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीधा शॉर्टकट से कैसे फाइंड करते हैं? x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्या बात क्लियर हुई? यस मैम. ठीक है जी. हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ लो फटाफट. द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय थ्री पॉइंट ऑन द पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट दिस पॉइंट. क्लियर है? यस मैम. किसी पैराबोला पे अगर थ्री वो बन रहे हैं, थ्री पॉइंट कोई
ट्राइंगल बन रहा है, अगर उन्हीं पॉइंट्स को टच करके टेंजेंट्स बनेगी, उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई बात? यस मैम। यस मैम। देखो क्वेश्चन कितना पूछ लिया उसने से। हाँ जी बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? क्वेश्चन पूछने वाला मजेदार क्वेश्चन पूछता है आपसे, देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा है, कैसे सॉल्व करेंगे। कंसीडर अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, डेल्टा 1 विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मड बाय एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम एंड द पॉइंट 1/2 ऑन द पैराबोला। तो ये जो डेल 1 है ये आपको पता चल गया, ये कौन सा एरिया है? ये पैराबोला के अंदर बनने वाला एरिया। यस मैम। और डेल 2 क्या है? With the area of triangle formed by drawing the tangent at P and the end points of, मतलब ये बाहर वाला tangents का हो गया। तो आपको पता चल गया ना del 1 upon del 2 का क्या difference होता है? क्या relation था? मैम twice होता है, मैम 1/2 हो जाए। 1/2 होगा, 2 होगा, जल्दी बोलो। ट्वाइस किसका होता है? प्रॉपर्टी पढ़ो। इफ ट्वाइस द एरिया फॉर्म बाय टेंजेंट, इट मींस आप ये बोल सकते हो कि 2 टाइम्स डेल 2 अपॉन डेल 2 बनेगा, तो 2 आ जाएगी रेशियो। यस, जो टेंजेंट्स के दोबारा ट्रायंगल बनेगा उसका डबल आपका इंटरनल एरिया होगा अगर ट्रायंगल बनेगा इनसाइड द पैराबोला। क्वेश्चन खत्म हो गया, बताओ। और ये क्वेश्चन पता कब आया था? सोचो, 2011 में आया था। सचिन, 2011 में आया था ये क्वेश्चन। प्रिंसेस में कुछ, हाँ देखो इनका मतलब है कि अगर आपके पास ये कोई पैराबोला, डायग्राम से समझ लो ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे कोई 3 पॉइंट्स मिलके इंटरनल एरिया बन रहे, ये मैंने एक लाइन गलत ले ली सपोज, अरे यार एक सेकेंड, और अगर मेरे पास ये एरिया बन रहा है, एग्री, ये इंटरनल एरिया हो गया डेल 1। अब मेरे पास इन दो पॉइंट से कोई टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, और एक ट्रायंगल देखो एक्सटर्नल बन गया क्योंकि तीसरे पॉइंट पे ऑलरेडी टेंजेंट थी, ये वाली ट्रायंगल बन गई और ये वाली डेल 2 है। तो इट मींस टू से दैट कि जो डेल 1 है वो 2 टाइम्स डेल 2 होगा। क्या बात क्लियर हुई है? यस मैम। बस यही प्रॉपर्टी हमने लगा दी और 2011 में फ्री के 4 नंबर आ गए। क्लियर है बात? यस मैम। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एग्री? चलेगा? दो क्वेश्चन हो गए होमवर्क के अभी तक। यस मैम। चले आगे, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? टेंजेंट क्या पढ़ा, पता चल गया? चलिए अच्छा, चलो नॉर्मल बता दो क्या होता है, सबको पता है। टेंजेंट में से जहाँ पे टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे है उस पॉइंट से जो लाइन पास होगी और वो परपेंडिकुलर होगी वो नॉर्मल बन जाएगी। यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? तो पॉइंट फॉर्म कैसी बन जाएगी इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 4ax है और x1 y1 है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आपको सिर्फ स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है उसका परपेंडिकुलर लेना है, रेसिप्रोकल, एग्री? यस मैम। क्या बना के बताऊं क्या हो जाएगा, देख लो यार, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 4a बनेगा। इट मींस आपके पास dy अपॉन dx जो है वो 2a अपॉन y बना, ये आपके पास क्या बना, स्लोप ऑफ टेंजेंट बनी।
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी, इट विल बी माइनस वाई अपॉन टू ए. और अगर पॉइंट पे चेक करना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एक्स वन वाई वन आपके पास आ जाएगा माइनस वाई वन अपॉन टू ए. तो अब इक्वेशन बनाना किसी के लिए डिफिकल्ट काम है? इक्वेशन तो आती है, डिफिकल्ट काम है सचिन? नो मैम. ओके, अब देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या बन जाएगी, y is equals to minus tx. कैसे बनाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी बना ली कि y माइनस वाई वन माइनस वाई वन अपॉन टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन है, राइट. अब जो एक्स वन है वो इक्वल है ए टी स्क्वायर के, और जो वाई वन है वो टू ए टी के. क्या पॉइंट्स पुट कर दोगे? Yes, ये दोनों पॉइंट्स इसमें पुट करोगे तो आपके पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, y is equals to minus tx plus 2at plus at cube. हाँ जी प्रिंस, क्या बात क्लियर हुई? सचिन, तुषार, साक्षी? Yes, कुछ चीजों पे ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं देते हैं. अब अगला कि रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड पैरामीटर क्या होता है. इफ द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p विद पैरामीटर t इज m, तो आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, m इज इक्वल्स टू माइनस टी. क्लियर है, रिलेशन याद रहेगा स्लोप और पैरामीटर में. ये हमने कल वाली फॉर्म क्लास में भी किया था नॉर्मल्स के केस में, उसमें शायद 1 अपॉन m के इक्वल आया था, याद आया? यस मैम. जब ये पता चल गया तो बस क्या करना है, आपकी जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें t को माइनस m से रिप्लेस कर देना है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगी इन द स्लोप फॉर्म. एग्री? ओके, ग्रेट. अब ये फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कुछ जो हमें पता होने चाहिए, वो क्या है, मैक्सिमम थ्री नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी एच कॉम. टी पैरामीटर है सचिन, देखो अगर मैक्सिमम हमें पता है कि तीन नॉर्मल्स ही ड्रॉ हो सकती हैं कोई पॉइंट अगर एच कॉमा के है टू द पैराबोला, तो उनकी स्लोप m1, m2, m3 होगी, तो आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा, तीनों स्लोप का सम क्या होगा, जीरो. तीनों स्लोप की प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 2a माइनस h बाई a, और तीनों की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगी, माइनस k अपॉन a. ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जो डेफिनेटली कहाँ पे काम करते हैं, जेईई में, राइट? मैम जेईई में कितना स्कोर करना पड़ता है? जेईई में स्कोर डिपेंड करता है, अगर आप कैटेगरी है तो थोड़ा कम स्कोर करके भी आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, और अगर कैटेगरी नहीं है तो काफी स्कोर करना पड़ता है. क्वालिफाई से आपको जेई नहीं मिलता, ये तो आपको पता होगा, है ना? चले, ये पते कहां से आया? किसी को पूछना है ये कहां से बना? बताऊं? Yes, ma'am. देखो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनी थी स्लो फॉर्म में, y is equals to mx minus 2am minus am cube बनी थी ना? Yes, ma'am. तो इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो. अगर ये y जो है वो h कॉमा k पॉइंट से पास हो रहा होगा तो आपके पास क्या बनेगा? मैम k is equals to mh, मैम मतलब x और y को रिप्लेस कर देंगे ना h और k से. तो क्या बनेगा? k is equals to mh minus 2am minus am cube. बस हाँ, इसको सॉल्व करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा ए एम क्यू प्लस टू ए माइनस एच इंटू एम प्लस के इज इक्वल टू जीरो. कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, एम में क्यूबिक बन गई. और अगर मैं बोलूं एम वन एम टू एम थ्री, ये आपके तीन रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो ये रिलेशन आप बना सकते हो जो टेंथ में किया था. यस मैम, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ. राइट राइट, क्लियर है सबको? यस मैम. अगर आपके तीन पॉइंट्स हैं नॉर्मल के, अगर वो आप बोलो कंकरेंट, कंकरेंट पता है ना क्या होता है, एक पॉइंट पे कट करते हैं, तो ऐसी नॉर्मल्स को आप क्या बोलते हैं, वो नॉर्मल्स कौन सी होती हैं, को नॉर्मल पॉइंट होते हैं. उन तीनों का सम भी जीरो होता है
सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विद कोनॉर्मल वर्टिसेस लाई ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला. क्लियर है बात? यस मैम. ठीक है. चलिए सोचिए. लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x व्हिच इज एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ द सर्कल. देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिस इज इक्वल्स टू 1. देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सी हैविंग इट्स सेंटर एट पी इज. क्या करेंगे बताओ मैम? इस सर्कल के सेंटर पॉइंट्स आ जाएंगे. हाँ सेंटर तो आ जाएगा मैम. 0, -6. ठीक है. और इसकी टेंजेंट भी बन जाएगी. टेंजेंट भी बन जाएगी. यस मैम. टेंजेंट आपके पास कुछ ऐसे बनेगी y इज इक्वल्स टू -tx + 2at + at³. तो ये कहाँ से पास करिए? आपने बोला 0, -6 से पास करिए. कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हो? तो आपके पास बन जाएगा t³ + 2t + 3 = 0. एग्री? इसको सॉल्व कर लोगे क्यूबिक को? तो यहाँ से आपके पास एक ही पॉइंट आएगा t = -1. अगर t - 1 है तो p पॉइंट आप सोच सकते हो क्या होगा, at², 2at. तो आपके पास P का पॉइंट कौन सा आ गया जहां से वो सेंटर एट P, दैट इज 2, -4. बताइए. यस मैम. क्लियर है सबको? तो इसके बाद अगर सेंटर पता चल गया तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हो, रेडियस को फाइंड कर ही सकते हो, इन दोनों का डिस्टेंस. क्लियर है? Yes, हाँ जी सोचिए. अच्छा देखो मैं ये बोल रही हूँ, क्या यहाँ तक सफिशिएंट है? ज्यादा नहीं हो जाएगा? या फिर ऐसा करते हैं दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर सम अप कर लेंगे. क्या कहते हो? यस मैम. ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी है. द टेंजेंट पी टी एंड द नॉर्मल पी एन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एट अ पॉइंट पी ऑन इट meet its axes at point T and N respectively. The locus of the center of the triangle PTN is a parabola whose. हाँ जी कैसे करेंगे? डायग्राम बनाएं. मैम यस मैम बन गया मैम. सेंट्रोइड का फिर मैम उसमें क्या करना होगा देखते हैं. देखो ये डायग्राम बना होगा y square is equals to 4ax. ठीक है. A tangent PT and the normal PN to the parabola y square is equals to 4ax at point P on it meets axis at T. तो it means आपकी कोई tangent है ये वाली, ये T point पे meet कर रही है और ये point P है, यहाँ से कोई normal जा रहा है और वो N point पे axis को meet कर रहा है, right? Clear है? The locus of the centroid. तो आपके पास एक centroid बन रहा है, ये इसका सेंट्रोइड यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहे है. लेट दिस कॉमा एच कॉमा के. क्लियर है बात? यस मैम. ठीक है. तो आपने ये माना होगा कि जो मेरे पास पी पॉइंट है वो ए टी स्क्वायर कॉमा 2at है. तो पी टी जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी डियर? वो बन जाएगी टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर. क्लियर है? यस मैम. तो टी पॉइंट मेरे पास क्या बन जाएगा इसी इक्वेशन में? देखो एक्सिस पे मीट कर रही है तो 0, at² बन जाएगा. कि गलत किया? गलत किया. क्या जीरो है? वाई जीरो है, राइट? तो मेरे पास -at², 0 बन जाएगा. एग्री यहां तक?
फिर पी एन इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, वाई इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यू। तो एन पॉइंट भी आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, फिर से क्या है वाई जीरो, तो आपके पास क्या बन गया टू ए प्लस ए टी स्क्वायर कोमा जीरो, क्या एग्री हो? यस मैम। अब आपके पास पी टी एन, क्या तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए? यस मैम। तो ये जो जी पॉइंट है ये सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला किस किस को लगाना आता है? यस मैम, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाय थ्री और सेम फॉर वाई कोऑर्डिनेट। हाँ, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे सॉल्व करोगे तो आपके पास एक पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा इन रिजल्ट। क्या पूरा सॉल्व करूं? चलो कर लो। आपके पास माय डियर सॉल्व करके h बनेगा 2a प्लस a t स्क्वायर बाय 3, यही बना, और k आपके पास बना 2a t बाय 3। क्या बात क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोल सकती हूँ 3h माइनस 2a इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर बना। तो क्या यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं? 3k बाय 2a आ जाएगी। इसको यहाँ पे पुट किया तो आपके पास बना 3h माइनस 2a इज इक्वल्स टू a इंटू 3k स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। एग्री? इसको सॉल्व करके आपके पास बना y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू a बाय 3 x माइनस 2a बाय 3। क्लियर है सबको? एग्री? तो लेटेस्ट रिएक्टम कितना आ गया? 4a बाय 3 आ गया। वर्टेक्स कहाँ पे आ गया आपके पास? वर्टेक्स आपके पास आप लोगों को सॉल्व करना आता है 2a बाय 3 कॉमा 0 पे आ गया। फोकस कहाँ पे आ गया? a कॉमा 0 पे आ गया। आता है ना सबको? डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे आ गया डियर? x इज इक्वल टू ए बाय 3 पे आ गया। अब देख लो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। लेटेस्ट रेक्टम 2a बाय 3 था? नहीं। वर्टेक्स 2a बाय 3 था? यस। फोकस a कॉमा 0 था? राइट। तो आपके कौन से दो ऑप्शन करेक्ट हो गए? a एंड b। क्या बात क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है? इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आपको दोबारा दोबारा करके देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस ही आपको घुमाने वाले आते हैं। एग्री? यस मैम। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ये आपके एडवांस में आया था और ये 2016 में आया है, ठीक है? चलिए देखिए होमवर्क में दे दूं, सब ट्राई करेंगे। तो आज का सेशन हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थोड़ा सा देख लो। हमने कुछ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पढ़ी, राइट, प्लस उसके रिलेटेड हमने इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी। और कल के वाले सेशन में आप लोगों को ये सब आना चाहिए, मैं पूछूंगी। और मैंने एक चीज पहले ही क्लियर कर दी कि कल वाली क्लास में हम सर्कल्स को रिवाइज करेंगे, तो वो पढ़ के आना। क्लियर है? Yes. हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ी, राइट? एग्री? इन दोनों चीजों पे फोकस करके आना, जो होमवर्क दिया वो क्वेश्चंस करेंगे। इन दोनों को कल बात करेंगे कि आपने क्या पढ़ के, मैं पूछूंगी सुनूंगी किस किस को क्या याद था। क्लियर है? Yes. तो एक तो आपका एक टाइप ऑफ ओरल टेस्ट होगा, प्लस संडे के टेस्ट के लिए आपको रिवीजन कराई जाएगी। अब हर सैटरडे आपको रिवाइज करवाया जाएगा, ठीक है? और आप लोगों को पता है वही bit.ly चीनू मैम पे आपके नोट्स डीपीपी एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो उसको मस्ट गो थ्रू इट। एक बार डीपीपी को अटेम्प्ट करना तो शुरू किया करो, अगर चाहिए ही क्लियर करना है तो, अगर डायमंड बैच में जाना है तो, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। अगर अभी किसी का डाउट है तो